नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे वाह, आज तो समय से पहले दिया प्रज्वलित हो चुका है। जय माता रानी। हुआ खाना। अरे वाह, इतना सारा नाश्ता, वाह वाह। और माँ, गाजर का हलवा डब्बों में पैक करवा कर रख दिया है। बढ़िया। डब्बों में गाजर का हलवा? आज कुछ त्योहार है क्या भाभी? इतना सारा नाश्ता भी बनाया है? हाँ बुआ जी, मन की खुशी सबसे बड़ा पर्व होता है, और आज मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा है कि मुस्कान, जो कुछ भी बुरा होना था हो चुका, अब सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, और अच्छे का स्वागत भी अच्छे से होना चाहिए ना, वो भी पूरे परिवार के साथ। तो मैंने सोचा कि सबकी मन पसंद का नाश्ता बनाया जाए और गाजर का हलवा गरीबों में और पड़ोसियों में बांट दिया जाए। परिवार तक तो ठीक है, लेकिन ये पड़ोसी और गरीब? बुआ जी, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। और आप इतना मत सोचिए, राम जी की कृपा से नाश्ता कीजिए। पेश है आपके लिए गरम गरम आलू के पराठे। गुड मॉर्निंग लवली दी। गुड मॉर्निंग डॉली। गुड मॉर्निंग भाभी। मेरे लिए आप दोनों के लिए गुड मॉर्निंग गिफ्ट भी है। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और ये आपके लिए। I hope आप लोगों को नेल पेंट्स के कलर्स और शेड्स अच्छे लगे। Wow, भाभी, it's amazing. I really love the colors and the texture. मुझे तो ये बस ओके ओके लगे, और वैसे भी मैं ये सब यूज नहीं करती। पर लवली दी, ये तो सिर्फ ओके ही नहीं, ओके से भी मच बेटर। आपका लो फैट लो कार्ब हाई क्लास ब्रेकफास्ट। और मेरे लिए आलू पराठे। सो रहे हैं क्या? नहीं, देखिए वो लड़की मुस्कान, वो कल तक मुंह से आवाज नहीं निकालती, मतलब कुछ भी बोलने पहले 10 बार अटकती थी। आज देखिए फराटे से बात कर रही, कैसे बतिया रही है। देखिए, जो कल आपके इस घर को जेल मानती थी, आज सराटे से घूम रही है यहाँ वहाँ। इसे कहते हैं आजादी का एहसास। ये एहसास आपने मुस्कान से ही नहीं, कई और लड़कियों से छीना होगा, अपना खौफ देकर, सरजी वाला। अब क्या है, बाकी लड़कियों ने आपकी दी हुई शख्सियत को अपनी शख्सियत मान लिया, लेकिन इस लड़की ने अपनी असली शख्सियत पहचान ली है, ये सारा प्रॉब्लम हो गई, और अब ये इसे नहीं भूलेगी। बस हम छोटा सा एक मतलब एहसान है, छोटा सा कर दीजिए, हम ये इसकी असलियत बनाए रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। गायत्री देवी, हमारी माँ को जाके सब बता दीजिए। नहीं, आप भी उसके बाद बहुत आजादी का एहसास अनुभव करेंगे। अफ्रेड आइए मत, घबराइए मत, जैसे आप हमारे साथ खड़े हुए थे, याद है आपको? वो कान में खुशखुस आ रहे थे, फुसफुस आ रहे थे, हम भी आपके साथ रहेंगे, प्रॉमिस, मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। बेटा बाप के साथ रहेगा, बस माँ को जाके सब बता दीजिए। अरे आप जग गए? हाँ, उठ गए। चलिए आ जाइए, सबके साथ नाश्ता कर लीजिए। गायत्री, मेरा नाश्ता ऊपर भिजवा दो, जरा हेडेक हो रहा है। ठीक है। तो मैं, अरे सुनिए, अफ्रेड आइए मत, वो आपकी तीसरी बेटी, अरे मतलब क्या नाम है, शालू, घर पर नहीं है, स्कूल गई है, आज वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो
नहीं याद आपको? हाँ मेरी कॉल याद है आपको, याद है आपको वो पूल में गिरने से पहले स्विमिंग पूल में आपका घंटा, आपकी फोन की घंटी बजी थी, वो माँ ने कहा था तुम्हारी बच्ची के स्कूल के फंक्शन में कल उसे प्राइज मिलने वाला, और अगर तुम कल स्कूल के फंक्शन में नहीं गए तो जहाँ कहीं भी हो गए मैं और मेरे पति तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें वहां से ले जाएंगे। ऐसे बुद्ध की तरह खड़े होके बातें करते रहेंगे लेकिन नीचे नहीं आएंगे नाश्ता करने के लिए, आ जाइए ना। चलिए चलिए हमें भूख लग रही है, नाश्ता बनाया बहु ने। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कॉर्नफ्लेक्स खा लीजिए और फ्रूट्स काट के दे रही हूँ। गायत्री आप भी तो नाश्ता कीजिए। हाँ मैं कर लूंगी लेकिन जया के साथ अभी स्कूल जा रही हूँ आने के बाद। अरे माँ तू कहाँ जा रही है आप सुबह सुबह? अरे आज वो एक तो शालू को प्राइज मिल रहा है और दूसरी बात ये उसका जो निकम्मा पिता है ना उससे मिलने जा रही। देखो तो सही ये गैर जिम्मेदार इंसान है कैसा, इतने जोर से और कस के इसके कान मरोड़ूंगा ना याद रखेगा जिंदगी भर। माँ ये देखिए ये शालू का लॉकेट है, पुराना हो गया है तो मैं सोच रही थी कि इसे गोल्ड चेन में डलवा कर शालू को गिफ्ट कर दे, आज उसे फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है ना। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। पर ये है क्या? इसमें उसके मम्मी पापा की फोटो है। देखो तो सही कौन है ये निकम्मा इंसान। हाँ माँ आप फोटो को अच्छी तरह से देख लीजिए कहीं स्कूल में आपकी नजरों से बच के निकल ना जाए। हम भी देखना चाहते हैं कैसे दिखता है वो बेगर्द बेशरम बेइज्जत और बदमाश इंसान, मतलब दानव है या राक्षस हम भी देखना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि जरूर ये रावण ही होगा, मुझे तो लगता है वो कंस होगा। कंस ये जया का पति ना एकदम थर्ड क्लास आदमी होगा। सीरियसली सिंह साहब वैसे आपके क्या विचार है ऐसे ऐसे व्यक्ति को लेकर, मतलब कैसा आपको क्या लग रहा है दानव होगा कि राक्षस? अरे नहीं नहीं ऐसे घटिया इंसान का नाम तो इनकी जुबान पर भी नहीं आना चाहिए। हाँ खुलता कैसे, खुल नहीं रहा है। माँ वहाँ प्रेस कीजिए ना खुल जाएगा। अच्छा आपको एप्पल काटने की, मैं हूं ना मैं काट देती, क्या करते रहते हैं आप। तो लीजिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ जल्दी जाओ।